आज से जो चतुर्मास महापर्व शुरू होने जा रहा है, आज से जो चतुर्मासिक आराधना शुरू होने जा रही है, आज से जो चतुर्मास शुरू होने जा रहा है, शास्त्रकार भगवान कहते हैं चतुर्मास यानी क्या, एक ही चीज है, स्वयं को जानने का अवसर, यही तो चतुर्मास है। हम खुद को जान ले, खुद को पहचान ले, यही चतुर्मास है। और इसीलिए हमारे यहां चतुर्मास का इतना बड़ा महत्व बताया। मैं आपको बता दूं, चतुर्मास का महत्व मात्र जैन धर्म में है ऐसा नहीं है, दुनिया के प्रमुख सभी धर्म चतुर्मास को मानते हैं। चतुर्मास के भीतर उनके विशेष त्योहार आते हैं, वो त्योहार को वो बड़े आनंद उल्लास खुशी के साथ मनाते हैं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, समझ लेना, चतुर्मास मात्र जैनों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, दुनिया के हर इंसान के लिए चतुर्मास महत्वपूर्ण। बात करें यदि हिंदू धर्म की, जिस तरह से हमारे यहाँ पे चौमासी चौदस से चौमासा शुरू होता है और चौमासी चौदस को चौमासा परिपूर्ण होता है, अषाढ़ माह की चौदस को चौमासा का शुभारंभ होता है, कार्तिक माह की चौदस को चतुर्मास परिपूर्ण होता है, इसी तरह से हिंदू धर्म में अषाढ़ माह की ग्यारस को देवसैनी एकादशी आती है और वह देवसैनी एकादशी के दिन उनका चतुर्मास शुभारंभ होता है, और कार्तिक माह की ग्यारस को देव उठनी एकादशी आती है और वह देव उठनी एकादशी के दिन उनका चतुर्मास पूरा होता है। आप समझ लेना, हिंदू धर्म के कई बड़े बड़े देवता है, बात करें श्री कृष्ण की तो उनका जन्म का समय भी चतुर्मास के भीतर आता है। बात करें शंकर और महादेव की तो उनकी विशेष आराधना का श्रावण माह भी कब आता है, चतुर्मास के भीतर आता है। बात करें श्री राम की, 14 साल की वनवास की परिपूर्णता के बाद अयोध्या में जब राम वापिस आए थे, उसी को तो हिंदू धर्म पूरा हिंदू संप्रदाय दीपावली के तौर पर मनाता है, और वह भी कब आती है, दीपावली भी चतुर्मास में। बात करें गणेश जी की, विघ्नहर्ता जिनको माना जाता है, वह गणेश जी का भी विशेष दिवस गणेश चतुर्थी भी चतुर्मास के भीतर आती है। जो लक्ष्मी जी के पीछे आप पूरा दिन रात दिन भागते रहते हो, वो लक्ष्मी जी की विशेष आराधना का दिन भी धनतेरस, लक्ष्मी जी की आराधना का विशेष दिवस धनतेरस, वह भी चतुर्मास में। माँ सरस्वती की आराधना जिनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, वो माँ सरस्वती की आराधना का दिवस भी चतुर्मास में ज्ञान पंचमी के स्वरूप में। अरे और तो और, असुरों का संहार करने की बात आवे तो दशहरा का त्योहार भी चतुर्मास के भीतर आता है, और माता जी की भक्ति की बात आवे तो नवरात्रि का त्योहार भी चतुर्मास के भीतर आता है। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, समझ लेना, मात्र जैन धर्म में चतुर्मास का महत्व है ऐसा नहीं है। ये चतुर्मास के 4 महीने इतने पावन है, इतने पवित्र है, इतने अद्भुत है, स्वयं को खोजने के लिए है, स्वयं को जानने के लिए है, और इसलिए हमारे यहां चतुर्मास का इतना बड़ा अद्भुत महत्व बताया। बात करें सिख धर्म, जब दीपावली का दिन आता है तो सिख धर्म के लिए भी बड़ा अवसर, बड़ा त्योहार है, और उनको वह बंदी छोड़ दिन के नाम से मनाते हैं, क्योंकि सिख धर्म के 6ठे धर्म गुरु गुरु हरगोविंद जी, जिनको जहांगीर ने कैद कर लिया था और उनकी कैद में से छूट करके वो वापिस अमृतसर पहुंचे, वो दीपावली का दिन था, इसलिए सिख धर्म भी दीपावली की आराधना, और पूरे चतुर्मास में कई उनके गुरुओं के जन्मदिन भी आते हैं, इसलिए सिख धर्म भी चतुर्मास को बड़े पैमाने पे मनाता है। बात करें मुस्लिम धर्म की, और मुस्लिम धर्म का जो अल हिजरा, उनका जो नया साल, पूरे साल के अंदर जो नए साल का त्योहार आता है वो चतुर्मास के भीतर आता है, और मुहर्रम उनका बड़ा पवित्र त्योहार आता है, वो भी चतुर्मास के भीतर आता है। बात करें ईसाई धर्म की,
जो यीशु ख्रिस्त यीशु मसीहा है, उनकी माता जी मरियम, उनका जो स्वर्गारोहण का दिन है वो भी चतुर्मास के भीतर आता है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, समझ लेना, मात्र जैन धर्म में चतुर्मास का महत्व है ऐसा नहीं है। चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे जैन, हर धर्म के लिए चतुर्मास महत्वपूर्ण है। और ऐसा चतुर्मास आज से शुरू हो रहा है। हमारे जैन धर्म की बात करें, पूरे साल का सर्वोत्कृष्ट पर्व यदि कोई हो तो वो कौन सा पर्व है? कौन सा पर्व है? पर्युषणा महापर्व, वो भी चतुर्मास के भीतर। शाश्वती आराधना यदि किसी को कही जाए, नौ नौ दिन की शाश्वती ओली जी की आराधना, वो भी चतुर्मास के भीतर। परमात्मा महावीर का निर्वाण कल्याणम और दीपावली की आराधना, वो भी चतुर्मास के भीतर। हर त्योहार, हमारे विशेष त्योहार चतुर्मास के भीतर आते हैं। कई परमात्मा के, कई तीर्थंकरों के कल्याणम, चाहे नेमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक हो, हर एक अनेक कल्याणम चतुर्मास के भीतर आते हैं। अनेक गुरु भगवंतों की तिथियां, हमारे अकबर जैसे अकबर को प्रतिबोध करने वाले हीर सुरेश्वर जी महाराज साहब की तिथि भी चतुर्मास के भीतर। शास्त्र विशारद प्रखर जैनाचार्य धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहब की पुण्यतिथि भी चतुर्मास के भीतर। और तपा गच्छाधिपति प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब की पुण्यतिथि भी चतुर्मास के भीतर। कई गुरुओं की आराधना, कई देवों की आराधना, तप की आराधना, त्याग की आराधना, ये चतुर्मास के भीतर आती है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, चतुर्मास का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और यह चतुर्मास का समय तीन चीजों के साथ सफल होगा, समझ लेना। आज चौमासी चौदस की आराधना है, आज से लगा करके चार महीने तक आराधना साधना में हमें जुड़ना है। लेकिन वह आराधना साधना हमारे लिए कब सफल होगी? कहते तीन चीज यदि आपकी चतुर्मासिक आराधना में है तो आपका चतुर्मास सफल हो सकता। सबसे पहले नंबर में है सत्संग। ज्ञानी का संग जहां पर भी मिले, सत्संग करने का अवसर जहां पर भी मिले, क्योंकि चतुर्मास ही ऐसा अवसर है जहां हर रोज गुरु का सत्संग हो सकता है। हर रोज प्रतिदिन गुरु से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हर रोज गुरु के साथ जुड़ करके कुछ ना कुछ हम प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीन चीजों से आपका चतुर्मास सफल होगा। सबसे पहले नंबर में सत्संग से जुड़े रहोगे तो चतुर्मास सफल, समझ लेना। दूसरे नंबर में श्रद्धा को भीतर प्रगटाओगे तो चतुर्मास सफल होगा। ऐसे ही ऐसे चतुर्मास सफल ना होगा। हम चाहे तप कर ले, चाहे आराधना कर ले, चाहे साधना कर ले, चाहे क्रिया कर ले, चाहे दान कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक भीतर में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित न होगा तब तक चतुर्मास सफल होने की कोई संभावना नहीं है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले सत्संग, सत्संग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, और उसके बाद श्रद्धा, श्रद्धा के द्वारा दर्शन की प्राप्ति। और तीसरी बात बता, सत्संग से जुड़ोगे तो चतुर्मास सफल होगा, श्रद्धा भीतर में प्रगटाओगे तो चतुर्मास सफल होगा, और तीसरे नंबर में साधना के पथ पर चलोगे तो चतुर्मास सफल। साधना करनी पड़ेगी, शरीर को तपाना पड़ेगा, मन को तपाना पड़ेगा। और एक चीज समझ लेना, शरीर की साधना बड़ी सरल है, मन की साधना बड़ी कठिन। शरीर की साधना हो जाती है, शरीर को थोड़ा संभाल लिया जाए, शरीर पर थोड़ा ध्यान रख लिया जाए, जीवा को थोड़ा वश में कर लिया जाए तो शरीर की साधना बड़ी सरल हो जाती है, लेकिन मन की साधना बड़ी कठिन है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये चतुर्मास दुनिया के हर एक धर्मों में जिनका महत्व है, जैन धर्म में जिनका बड़ा ही विशेष महत्व है, और वह चतुर्मास तभी सफल होगा जब आपके पास तीन चीजें होगी। सत्संग आप चूकोगे नहीं, चाहे प्रवचन हो, चाहे गुरु भगवान से ज्ञान प्राप्त करने की बात हो, चाहे कहीं से भी हमें ज्ञान मिलता हो, श्रवणी भगवंतों से ज्ञान की प्राप्ति होती हो, वो सत्संग का अवसर हमें नहीं चूकना। दूसरे नंबर में श्रद्धा को प्रगटाते चलना है, जो भी करना श्रद्धा के साथ करना। और तीसरे नंबर में मन की साधना करनी है, शरीर की साधना करनी है, और इसी के साथ हमारा चतुर्मास सफल होगा।
प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।